हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जय शिव शक्ति। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाल पा रही थी बिकॉज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। अभी मैं अच्छी हूँ और आ गई हूँ आपके लिए फिर से वीडियो लेकर। तो गाइस, आज हम चेक करने वाले हैं आपके पर्सन के बारे में ओवरऑल सब कुछ, जैसे उनके करंट फीलिंग्स क्या है, हिडन फीलिंग्स क्या है, ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए, करंट सिचुएशन क्या चल रही है उनके लाइफ में, फ्यूचर क्या है आपके साथ उनका, और इस रिलेशनशिप का आपके लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है, अभी क्या है, ये सब चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे एक शॉर्ट सी वीडियो में। तो गाइस, जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कार्ड से, आपके पर्सन रीयूनाइट होना चाहते हैं आपके साथ, आपके साथ रीयूनियन वो करना चाहते हैं, और पास्ट में चाहे सिचुएशन जैसे भी रही हो, उन्होंने आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया हो, या फिर हो सकता है वो अभी भी आपको रिस्पॉन्ड ना कर रहे हो, या फिर उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करी हो, आपको समझा ना हो, किसी भी वजह से अगर आपका ब्रेकअप हो गया था, या किसी भी वजह से आप दोनों सेपरेशन में आए थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, कुछ भी था, तो गाइज वो ओवर होने वाला है और आपके पर्सन की अवेकनिंग होने वाली है और चल रही है। उनका फिफ्थ चक्रा जो है वो ओपन हो चुका है। हो सकता है वो आपसे बात करने की कोशिश करें, आपसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश करें, और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सीरियसली गाइस, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो। और यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिख रही है कि वो रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ, और वो मैनिफेस्ट हो भी रहा है। एंजल्स उनकी बात सुन रही हैं। और गाइस, मैं ये कहूँगी कि आप भी इस टाइम पर स्पिरिचुअल वर्क करें। गाइस, हो सकता है कि अभी करंट सिचुएशन में आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हो, आपको रिस्पॉन्ड ना कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो उनसे बातचीत करने की पर आपको कोई भी रिस्पॉन्स उनके साइड से ना मिल रहा हो, बिकॉज वो अभी कंफर्म नहीं है, उन्हें कंफर्मेशन चाहिए। अभी वो कंफर्म नहीं है, उन्हें अंदर से श्योरिटी चाहिए कि हाँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ, और इस कनेक्शन का फ्यूचर बहुत अच्छा है, और चाहे जो भी सिचुएशन हो, मैं आगे स्टेप लूँगा या लूँगी इस कनेक्शन के लिए। तो गाइज, जब ये श्योरिटी उनके अंदर आ जाएगी, तो वो डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेंगे, और उस टाइम पर कोई भी आपके पर्सन को रोक नहीं सकता है आपके पास वापस आने से। गाइज, जब आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे, तो बहुत ही सारा अबंडेंस आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आएगा, ग्रोथ आएगी आपकी लाइफ में, और गुड लक वो आपके लिए लेकर आएंगे। आपको खुद को फील होगा कि ये पर्सन अब मेरी लाइफ में आए हैं, तो बहुत कुछ मेरी लाइफ में न्यू चीज़ें हो रही है, और जो कि बहुत पॉजिटिव है, आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। एक चीज़ मैं श्योरली यहाँ पर कह सकती हूँ कार्ड्स को देखकर, कि आप या तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, या फिर आप सोलमेट कनेक्शन में हो। अगर आप इस कनेक्शन में हो, तो प्लीज़ 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 आप स्पिरिचुअल वर्क करना स्टार्ट कर दो खुद पर। आपके पर्सन की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, और उन्हें साइंस भी मिल रहे हैं। हो सकता है वो साइंस ना समझ रहे हो, पर उनकी किसी ना किसी वे में अवेकनिंग हो रही है। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, अवेकनिंग पर ध्यान दे रहे हो अपने, तो उसका कुछ पर्सन या फिर कुछ आपके पर्सन की तरफ भी जाएगा, आपके पर्सन को हेल्प मिलेगी, और ये रीयूनियन होने में बहुत कम समय लगेगा। अभी करेंटली वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं, काफ़ी ज़्यादा होपलेस हुए हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि क्या पता रीयूनियन होगा कि नहीं होगा, अगर वो स्टेप लेते हैं तब भी कुछ आगे अच्छा होगा कि नहीं होगा। वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे नेगेटिव थॉट्स में हैं, लो वाइब्रेशंस में हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन इस लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशंस में आएंगे, और रीयूनियन भी होना ही है आपका, ये डेस्टिनी में है।